श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। आपकी बार 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में रोड शो करने के बाद तमिलनाडु में रैली की और इंडिया गठबंधन के नेताओं और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन पर जमकर हमला बोला। केरल में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के सेलम पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने सेलम की रैली में फिर राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान उठाया और उस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को तमिलनाडु में जो समर्थन मिल रहा है उसने डीएमके और स्टालिन की नींद उड़ा के रख दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तमिलनाडु ये तय कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। साथियों, बीजेपी और एनडीए बड़े सपने देखती है, बड़े लक्ष्य बनाती है और उन्हें हासिल करके भी दिखाती है। आज दुनिया में भारत की पहचान मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से है। बीजेपी सरकार ने देश में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के हाईवे और एक्सप्रेस वेज बनाए हैं। आज देश में 20 से ज्यादा एम्स हैं, दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज और आईआईटीज खुले हैं। हमारी इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी को राज ठाकरे का साथ मिलने वाला है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का एनडीए में आना करीब करीब फाइनल हो चुका है। मंगलवार को राज ठाकरे मुंबई से दिल्ली पहुंचे और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से मिले। विनोद तावड़े से मिलने के बाद राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई। महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में राज ठाकरे पिछले कई साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के पहले राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी राज ठाकरे की दोस्ती है। बीजेपी के साथ आने पर राज ठाकरे महाराष्ट्र में दो लोकसभा सीटें मांग रहे हैं, साउथ मुंबई और शिरडी या कहें अहमदनगर। राज ठाकरे को एनडीए साउथ मुंबई सीट देने पर राजी है। अगर बात बन गई तो राज ठाकरे को अहमदनगर सीट भी चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे के बाद पासवान परिवार में कलह बढ़ गई है। बीजेपी ने बिहार में पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी है। इससे नाराज होकर पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की पार्टी को 5 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक सीट मिली है। रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी ने चिराग के बजाय चाचा पशुपति पारस को तरजीह दी थी। पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के साथ थे, चिराग अकेले बचे थे। पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया था लेकिन एन चुनाव के वक्त मोदी शाह ने पशुपति पारस से पल्ला झाड़ लिया है। नाराज पशुपति पारस ने केंद्र सरकार से इस्तीफा ही दे दिया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से
मैं त्याग कर देता हूँ। बिहार के हाजीपुर सीट को लेकर अब चाचा भतीजा आमने सामने आ चुके हैं। हाजीपुर की सीट पर चाचा भतीजे में जंग देखने को मिल सकती है। पशुपति पारस अब लालू और तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, तो चिराग पासवान मोदी शाह की ताकत पर अपनी जीत का दम भर रहे हैं। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ हर किसी को देनी पड़ती है। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की, माझी जी हो, उपेंद्र जी हो, हर किसी ने, उनसे जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था, और आज उससे ज्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद हैं। चुनाव के पहले नेताओं का दल बदल लगातार जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। वे दुमका की जामा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। हाल ही में नोट के बदले वोट मामले में सीता सोरेन का नाम सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें विशेष सीबीआई अदालत के सामने मुकदमे का सामना करना होगा। साल 2009 में शिबू सोरेन के बड़े बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन महासचिव दुर्गा सोरेन की बोकारो में मौत हो गई थी। बड़े भाई के निधन के बाद ही हेमंत सोरेन का पार्टी में कद बढ़ा, जबकि उनकी भाभी भी पार्टी में दावेदारी जताती रही है। दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के ताजा खुलासे के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की घूस देने की बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। दिल्ली की अदालत ने के कविता को 23 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी के मुताबिक अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में नई आबकारी नीति से फायदा उठाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी ने यह भी बताया कि शराब घोटाले से निजी लाभ पाने की एवज में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। ईडी ने दावा किया के कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थी। ये लॉबी दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। ईडी के नए खुलासे के बाद बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल अब जेल जाने से बच नहीं सकते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे, आज वो लोग समन के नाम से डर रहे। तो ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिन की बड़ी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।